राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव के अंदर वोटिंग की प्रक्रिया कल यानी 26 तारीख को है, जिसमें आप सभी को बता दें कि सभी अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। तो वहीं निहारिका जोरवाल के समर्थन के अंदर आप सभी को बता दें कि लोगों ने उनका नाम अपने सिर के ऊपर भी लिखवा लिया है, साथ ही कुछ लोग बैलगाड़ी के अंदर प्रदर्शन करने के लिए भी पहुंचे और इसी को लेकर के चुनावी तैयारियां जोरों शोरों पर है। तो दिखाते हैं इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से कुछ ही घंटों बाद छात्र वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसके लिए जहां कुछ प्रत्याशियों ने अपने नाम के छाते बैंड बनवाए हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स अपने सिर पर ही प्रत्याशियों के नाम लिखवा करके घूम रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की दिलचस्प तस्वीरों में आप सभी को बता दें कि यूनिवर्सिटी में अपने चाहते प्रत्याशी को जिताने के लिए स्टूडेंट्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एनएसयूआई से बागी होकर के चुनाव लड़ रही निहारिका जोरवाल के प्रचार के लिए समर्थक रवि ने अपने सिर पर निहारिका का नाम लिखवा लिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ प्रचार के दौरान एबीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशी आमने सामने हो गए। एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले प्रत्याशी एक दूसरे को माला पहनाकर समर्थन मांगते हुए नजर आए हैं। बुधवार को राजस्थान कॉलेज से राजस्थान यूनिवर्सिटी तक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की रैली निकल रही थी। इस दौरान कुछ छात्र जेलैन मार्ग पर गुजर रही बैलगाड़ी पर सवार हो गए। उन्होंने इसे एनएसयूआई का प्रचार रद्द बना दिया और बैल के सींग की ओर गले पर दुपट्टे बांध दिए। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष प्रत्याशी संजय चौधरी भी उस पर सवार हो गए।